साथियों सभी कैसे हैं? आई होप सभी अपने अपने घर में अच्छे होंगे और सभी मजे काट रहे होंगे। तो साथियों आज का मेन टॉपिक है हमारा वीडियो रोस्ट। तो साथियों आज कुछ लोगों पर ब्लॉगिंग का भूत ऐसे चढ़ा हुआ है जो कि अपनी रियल लाइफ को रियल लाइफ में बदलना चाहते हैं, लेकिन उनका कुछ परिणाम ऐसा होता है कि हम आते हैं और साला 1.5 GB डाटा मिलता है, देखते रहते हैं, 1.5 GB डाटा ख़त्म हो जाता है और कुछ पता ही नहीं कि साला पल्ले क्या पड़ा। तो इसी के लिए कुछ हमने कचरा इकट्ठा किया यूट्यूब से, तो साथियों वो आपको हम दिखाएंगे। इसी में से एक है हमारे पास बाल विवाह। तो साथियों पुराने ज़माने में पेरेंट्स की मर्ज़ी से बाल विवाह जबरदस्ती करा दिया जाता था, और आज के लोग जो चुन्नू मुन्नू जो कि लव सब में PhD किए हुए हैं वो क्या कर रहे हैं देखिए। इस उम्र में ये निब्बा निब्बी शादी कर रहे हैं ना, उस उम्र में तो हम इंटर हाई स्कूल की परीक्षा दे रहे थे, और ये तो कुछ भी नहीं है। आगे देखो इसकी दो दो गर्लफ्रेंड और भी हैं। ये है सिमल की दूसरी गर्लफ्रेंड मनीषा, जिसने कि सिमल के लिए रोहित को छोड़ा, और ये डांस तो ऐसे कर रही है जैसे कितनी मोटी हो गई है, डांस कम पुशअप ज्यादा मार रही है सिक्स पैक बनाने के लिए। भोर में चेक किए थे इसलिए वो ये हो गया। पर जिस उम्र में हम सोचते नहीं थे कि कोई आसमान से एक परी आती है और बच्चे देके चली जाती है, उस उम्र में तो ये निब्बा निब्बी साले बच्चे पैदा कर रहे हैं। बताओ क्या होगा हमारा, क्या थे पहले, अब जाके पता चला है कि सारे छोटे से भी बच्चे पैदा हो जाते हैं। ये ढंग से सालों पर डायपर पहनना आता नहीं, बच्चे पैदा कर रहे हैं। सच है और रियलिटी है। आज का मजाक में कोई नहीं लेना, हम बता दे। देखो पापा बनने की तो बहुत बड़ी अचीवमेंट लग रही है इसे, इसे ये नहीं पता उसकी कुछ जिम्मेदारी भी होती है पापा बन के बच्चों को निभाने की। और एक बार बताओ तुम रियली में बनो या फेक में बनो, उससे हमें क्या लेना देना। ये ब्लॉग बनाने चले आते हैं अरे क्या है, अगर आप लोग को फेक लगेगा तो हम लोग दोबारा लाइव टेस्ट करके दिखाते हैं। अरे नहीं 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 नहीं, तुम ये लाइव टेस्ट मत दिखाना, इसके लिए हमारे यहाँ अश्लील कहते हैं। और निब्बा निब्बी कम से कम थोड़े सुधर जाओ बीच के चक्कर में, ये हर तरह की ऐसी हरकत मत करो। ये तुम्हारी वीडियो ना छोटे छोटे बच्चे भी देखते हैं, उनके माइंड पर बहुत बुरा असर पड़ता है इस चीज़ से कम थोड़े बहुत तो सुधर जाओ। अब यही देखना बाकी रह गया हमारा पापा है, मतलब हाँ, तो मेरा किसी को नहीं पता है, हम लोग बस दीदी जानती है। और तुम्हारी दीदी का तो हमें पता नहीं, लेकिन दीदी तुमने हमें जरूर कन्फ्यूज कर रखा है। अबे हमें तो यही नहीं पता कि कभी बच्चों के भी बच्चे होते हैं। ये ढंग से देखो, इसमें एक ही डंडा है, एक डंडे का मतलब होता है नेगेटिव, पॉजिटिव नहीं होता।